वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। पिछले 5 दिनों से मैं एनसीसी का कैंप लगा रही थी। एनसीसी अर्थात नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें हमने खूब पढ़ाई करी, साथ में साथ हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट पे ये फोकस करता है। अब देखिए हम इस कैंप में क्या क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम ड्रिल करते हैं, उसके बाद हमारा PI स्टाफ जो हमारे आर्मी से आता है ट्रेनिंग देने के लिए हमें अलग अलग टॉपिक्स पे, पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, ऐसे कई टॉपिक्स पे वो हमें पढ़ाते हैं। वो हमें ये भी बताते हैं कि कैसे हमारी आर्मी काम करती है। जैसे मैं आर्मी विंग में हूँ तो हमें आर्मी का पढ़ाया जाता है, वहीं NCC को जहाँ नेवल और एयरफोर्स है उनको नेवी और एयरफोर्स के बारे में पढ़ाया जाता है। ड्रिल हो गई, थ्योरी क्लास हो गई, उसके बाद हम सारे बच्चे एंटरटेनमेंट, कल्चरल प्रोग्राम्स का मनोरंजन लेते हैं। तो इनमें सबसे पहले तो हुआ सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन। अब हमें उसी दिन पता लगा था तो हमने ऑन द स्पॉट गाना गाया। उसके बाद हुआ ग्रुप सॉन्ग, बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा। 3 कॉलेज थे हमारे यहाँ। अब क्या हुआ, कोरोना के वजह से हम सबको नहीं तो अम्बाला जाना पड़ता, पर इन लोगों ने टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, 3-3 कॉलेजेस को उनके इलाके के ही एक कॉलेज में कैंप लगवा दिया। डे कैंप रखा, नाइट कैंप नहीं रखा गया। तो ये उन लोगों ने ये प्रिकॉशन लिया कोरोना से। तो ग्रुप सॉन्ग बहुत बेहतरीन प्रदर्शन था इन 3 कॉलेजेस का। उसके बाद था ग्रुप डांस, वहाँ लोगों ने अपनी अलग अलग प्रांतों की संस्कृति दिखाई, उनके अपने अपने कल्चरल हेरिटेज को डांस के थ्रू प्रदर्शित किया गया। अब ये देखिए, हमारी ग्रुप्स डांस का थोड़ी सी क्लिपिंग है। अच्छा, अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट, डेक्लेमेशन कंपटीशन किया। उसका टॉपिक रखा गया था मेरा भारत मेरी संस्कृति। उसमें भी लोगों ने खुलकर अपनी मन की बातें रखी इस विषय पर। और फिर जो कि हर NCC जो आर्मी विंग से रिलेटेड है, उसके हर कैडेट्स को इच्छा होती है कि वो एक असली राइफल पकड़ के उससे असली गोलियों से निशाना लगाए। अब मैं आपको थोड़ा सा अपनी फायरिंग के बारे में बताती हूँ। हम .22 डीलक्स राइफल से फायरिंग करते हैं, असली गोलियों से, नकली से नहीं। ये ऐसे हम इस जगह पे ले करते हैं, लेइंग पोजीशन है ये हमारी। ये जो आपको एक बोरी सी चीज़ नज़र आ रही है, उसमें या तो मिट्टी होती है या सीमेंट होती है। और वो क्यों रखा गया जाता है, ताकि हम जब लेइंग करें तो हमारा निशाना ज़्यादा हिले ना हाथ, तो उसको सपोर्ट के लिए रखते हैं। अब ये देखिए, ये होता है वो निशाना। अब आपने डार्ट बोर्ड पे वो गोल गोल TV पे भी दिखाते हैं, वो तो बहुत देखा होगा, पर हम NCC कैडेट्स इसे यूज़ करते हैं। इसमें जो आपको ये सफ़ेद सी डिब्बी नज़र आ रही है, उस पर निशाना लगाना होता है राइफल से। और ऐसे ही कई बच्चों को कई चीज़ों में इनाम भी मिलता है। मुझे सोलो सॉन्ग में मिला, मुझे फायरिंग में मिला, तो बाकी ग्रुप में थे तो हमारे परफॉर्मेंस अच्छा रहा, पर हमसे बेहतर भी थे लोग, तो उनकी तो प्रशंसा बनती है हमारे इस ब्लॉग में। इसी के साथ ये ब्लॉग यहाँ ख़त्म होता है।
आशा है जो हमारा एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, वो आप भी अपने जीवन में अपनाएंगे। आप अपनाएंगे तो आप खुश रहेंगे, क्योंकि यूनिटी और डिसिप्लिन दोनों एक बेहतर ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी होती है, कि वो सबको एकता के साथ ट्रीट करें। और डिसिप्लिन तो सबको ही चाहिए। अगर आप ऑफिस लेट पहुँचेंगे, स्कूल लेट पहुँचेंगे तो क्या होगा? अच्छी बात नहीं होगी ना। इसी के साथ ब्लॉग ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।